जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु, आप देख रहे हैं देसी जुगाड़ यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होस्टिंग कहां से ले दोस्तों, वो भी चीप होस्टिंग, वो भी अच्छी होस्टिंग, वो भी SSD में मिलेगी दोस्तों होस्टिंग, तो वो भी दोस्तों आपको 15 रुपये में अवेलेबल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, ये वेबसाइट है fantasyinfo.in के नाम से दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या प्लान चुनके हैं, क्या सस्ते प्लान चुनके हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक 20% का डिस्काउंट और आपको मिलने वाला है, वो भी दोस्तों सभी पैकेज में। आपको कूपन कोड अलाउ करना है सिर्फ FIH। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं होस्टिंग बाय करके दिखा देता हूँ कि दोस्तों किस तरीके से यहाँ से आपको होस्टिंग बाय करनी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों, सबसे सस्ती और चीप होस्टिंग यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, वो भी SSD में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्मॉल प्लान है एक दोस्तों, इनका 19 रुपये का है। एक दोस्तों जो मीडियम प्लान है वो 38 रुपये पर मंथ है। एक दोस्तों लार्ज प्लान है वो 75 रुपीज़ है। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा लार्ज है वो 199 है। और एक दोस्तों है अनलिमिटेड एक्स्ट्रा लार्ज। तो दोस्तों जो उनका आपको अच्छा करे वो आप प्लान यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों मैं एक स्मॉल प्लान वहाँ से लेने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ से प्लान लेना है। अगर आपको दोस्तों 19 रुपये वाला प्लान लेना, तो आप 19 रुपये वाला प्लान भी ले सकते हो। दोस्तों आपको डिस्काउंट काट के 15 रुपये में पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों मैं आपको 19 वाला ही प्लान लेके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक करें। दोस्तों जैसे हमने चूज प्लान पे क्लिक किया, दोस्तों जैसे कि हम इस वाले पेज पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमको प्लान सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों 19 रुपये वाले प्लान में आपको क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 512 MB स्पेस मिलेगी, 1 यूज़र ऐड सकता है, 2 ईमेल अकाउंट और 2 दोस्तों MySQL स्पेस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको डोमेन नया लेना है या दोस्तों आपको डोमेन ट्रांसफर कराना है अपना, या फिर दोस्तों एग्जिस्टिंग डोमेन को नेम सर्वर अपडेट करने हैं। दोस्तों मेरे पास एक डोमेन है जो मैंने फ्री में बनाया था दोस्तों, .free name से दोस्तों इस वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री में आप डोमेन बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने एक डोमेन बना रखा है writestyletools.pk के नाम से। तो दोस्तों मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता फ्री में डोमेन्स कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको फ्री में डोमेन्स बनाना भी सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं लेके चलता हूँ अपने डोमेन को यहाँ पे, यहाँ से .pk यहाँ पे आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन लगा लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगा लिया है, दोस्तों यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये वेरीफाई करेगा ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, दोस्तों देख लेते हैं वेरीफाई करेगा ये। दोस्तों इसने वेरीफाई कर लिया है ये डोमेन अवेलेबल है। तो दोस्तों हमने स्मॉल प्लान चल लिया, तो 1 वेबसाइट 512 MB, 1 यूज़र, 2 ईमेल अकाउंट, 2 MySQL। अगर दोस्तों मैं मंथली लेता हूँ तो 19 रुपये का पड़ने वाला है। अगर दोस्तों मैं 4 महीने के लिए लेता हूँ तो 49 का, 6 महीने के लिए लेता हूँ तो 99 का, और दोस्तों 1 साल के लिए लेता हूँ तो 199 का, 2 साल के लिए लेता हूँ तो 399 का। दोस्तों अगर मैं 3 साल के लिए इस प्लान को लेता हूँ तो पड़ेगा दोस्तों 599 का। तो फिलहाल मैं 1 महीने का ही लेने वाला हूँ। तो दोस्तों 19 रुपये दिखा रहा है, जैसे मैं कूपन कोड अलाउ करूँगा तो दोस्तों 15 रुपये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। क्लिक कंटिन्यू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर आ चुके हो रिव्यू एंड चेकआउट पर, दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है कूपन कोड। तो दोस्तों कूपन कोड है FIH, तो मैं दोस्तों डाल देता हूँ FIH। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कूपन कोड डाल दिया है। दोस्तों यहाँ पर वैलिड कोड पर क्लिक कर देता हूँ, तो वैलिडेट करेगा इस कोड को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कूपन कोड वैलिडेट हो चुका है, प्रमोशन कोड एक्सेप्टेड, योर ऑर्डर टोटल हैज बीन अपडेटेड। तो दोस्तों 19 रुपीज़ का हमारा प्लान था, 3 रुपये का हमको दोस्तों इसमें छूट मिला है, जो 20% वन टाइम डिस्काउंट ऑफर है। दोस्तों ये 19 रुपये था, तो दोस्तों 3 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमको दोस्तों 15.20 में डोमेन ये होस्टिंग अवेलेबल है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हो FIH 20% वन टाइम डिस्काउंट अलाउटेड। दोस्तों चेकआउट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने चेकआउट पर क्लिक किया, फिर दोस्तों हमको लिया आया लॉग इन साइनअप पेज पे। तो दोस्तों मैं साइनअप कर लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देता हूँ दोस्तों अपना। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया अपना, एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ दोस्तों मैं इसमें, दोस्तों फ़ोन नंबर डाल देता हूँ इसमें। अगर आपको दोस्तों किसी बात के लिए डिस्कस करना है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो कंपनी का नाम डाल देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों मैं सिक्योर। तो
दोस्तों मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। तो दोस्तों मेरे को पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड से, तो दोस्तों मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको पेपल से करनी है या फिर बैंक ट्रांसफर से करनी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। पर मैं करूँगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम और भीम यूपीआई। दोस्तों सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखिए 15 रुपये मेरे कटने वाले हैं, दोस्तों मेरे पास आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट और मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं इस पेमेंट पर आ चुका हूँ, तो दोस्तों पे विद पेटीएम पे क्लिक कर देते हैं। जैसे पे विद पेमेंट क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आया भीम यूपीआई पे पे करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। दोस्तों मैं फिलहाल डेबिट कार्ड से पे कर रहा हूँ, तो एंटर डेबिट कार्ड की डिटेल्स में दोस्तों इसमें डालने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स में डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैं डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने डेबिट कार्ड की डिटेल्स अपनी डाल दी है। दोस्तों पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने पे नाउ पे क्लिक किया तो प्रोसेसिंग हो रही है। दोस्तों मेरे आंध्रा बैंक का एक अकाउंट में दोस्तों ओटीपी आया होगा, तो मैं दोस्तों चेक कर लेता हूँ ओटीपी। तो दोस्तों ओटीपी आ चुका है। दोस्तों मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ओटीपी सबमिट कर दिया है। जैसे दोस्तों मैंने ओटीपी सबमिट किया, इस तरीके से ट्रांजेक्शन चल रही है। दोस्तों दोस्तों मेरे अकाउंट से पेमेंट कट चुकी है, मेरे पास मैसेज आ चुका है, देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों पेड हो चुका है, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पेड आ चुका है। तो दोस्तों मेरा आ चुका होगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों हम अपने अकाउंट से लॉगिन करके देख लेते हैं। दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। घर के काम की वजह से दोस्तों थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट करना पड़ रहा था, तो कोई बात नहीं दोस्तों मैं दोबारा से यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो सर्विसेज में मेरे पास सर्विस आ चुकी है। देखिए दोस्तों शेयर होस्टिंग, स्मॉल वाला पैकेज, राइट एक्सेस टूल जो ठीक है। दोस्तों सर्विसेज पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो किसी एक्टिव पे ऑप्शन आ, दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आप देख सकते हो पैकेज डोमेन हमारा शेयर होस्टिंग है, स्मॉल वाला ये डोमेन का नाम है, वीजी वेबसाइट का नहीं रोजी पे वीजी सिंह का मेरे वीजी इनको। दोस्तों देखते स्पेस और बैंडविड्थ आप देख सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईमेल अकाउंट फॉरवर्ड ऑटो रिस्पॉन्स फाइल मैनेजर मिल रहा है। दोस्तों और आपको जो है अगर सी पैनल में जाना है तो दोस्तों लॉग इन टू सी पैनल पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लॉग इन टू सी पैनल पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सी पैनल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमको सी पैनल को रिडायरेक्ट करा देगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास सी पैनल आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों करंट यूज़र जो मेरा नाम बनाया यूज़र नेम, प्राइमरी डोमेन मेरा होम जो आया मेरे होम डायरेक्टरी, और दोस्तों ये लोग आईपी, मेलिंग लिस्ट, एलआईसीज, एड ऑन डोमेन्स, डिस्क यूसेज 512 MB जो मैंने बोला था दोस्तों मिलने वाली है, डिस्क यूपीज बाइट्स में दोस्तों MySQL बैंडविड्थ दोस्तों 5 GB बैंडविड्थ मिलने वाला है इसमें, सब डोमेन्स एक मिलेगा दोस्तों, ईमेल अकाउंट 2 मिलेगा, ऑटो रेस्पॉन्ड अनलिमिटेड है, फॉरवर्ड अनलिमिटेड, ईमेल फिल्टर्स और दोस्तों एफटीपी अकाउंट 1 मिलने वाला है, MySQL डेटाबेस 2 मिलने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होने वाली हैं। दोस्तों इसके बाद आपको अपनी डोमेन पे जाना है। तो दोस्तों ये मेरा डोमेन है, तो दोस्तों यहाँ पे जाके मैनेज डोमेन पे क्लिक कर यहाँ पे दोस्तों आपको नेम सर्वर अटैच करने हैं ताकि आप इस होस्टिंग से जुड़ सकें। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ नेम सर्वर से आपको कैसे अपडेट करने हैं। दोस्तों अगर आपको नेम सर्वर से अपडेट करना नहीं आता तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डोमेन पे जाना है जहाँ से आपने डोमेन ले रखा है। दोस्तों वहाँ पे मैनेज डोमेन पे आपको क्लिक करना है कहीं सॉरी यहाँ पे आप क्लिक करना मैनेज टूल्स पर। दोस्तों नेम सर्वर से आपको क्लिक करना है। तो जैसे नेम सर्वर आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आ जाए यूज डिफॉल्ट नेम सर्वर से दोस्तों यूज कस्टम नेम सर्वर। दोस्तों यूज कस्टम नेम सर्वर पर आपको क्लिक करना है। तो नेम सर्वर दोस्तों आपको अपडेट करने हैं। दोस्तों नेम सर्वर मैंने निकाल रखे हैं, तो दोस्तों आपको यूज करना है ns1.shphm.com। दोस्तों पहला नेम सर्वर ये और दूसरा नेम सर्वर दोस्तों ये आपको ये दोस्तों नेम सर्वर से डैश सीज होने मिल जाएगा, लिंक से आप दोस्तों अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने नेम सर्वर से अपडेट कर दिए। दोस्तों चेंज नेम सर्वर आपको
क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप चेंज नहीं करोगे क्लिक कर देंगे दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर आपका दोस्तों डोमेन लिंक हो जाएगा होस्टिंग से। तो दोस्तों 24 से 48 घंटे दोस्तों बोलते हैं, वैसे लगभग 15 मिनट में हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप फाइल मैनेजर भी है दोस्तों, इमेजेस का ऑप्शन भी है, सभी ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ पे जेट बैकअप आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। और जेट बैकअप आप दोस्तों PHP MyAdmin MySQL Database MySQL Database Wizard दोस्तों सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। डोमेन एड ऑन डोमेन सब डोमेन वगैरह आप यहाँ से चाहे तो अपग्रेड भी करा सकते हैं दोस्तों, इस प्लान को डाउनग्रेड भी करा सकते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ दोस्तों ऑप्शन है। ईमेल अकाउंट है दोस्तों, यहाँ पे आप ईमेल अकाउंट बना सकते हो अपनी वेबसाइट का दोस्तों। यहाँ पे आपको दोस्तों जो है अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो दोस्तों वर्डप्रेस का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। वर्डप्रेस एवांते रियल जूमटा PHP भी है दोस्तों, MS ओपन दोस्तों WHMCS MyBB डॉल्फिन दोस्तों आपको जो भी कुछ चाहिए सभी चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने आपको दोस्तों 15 रुपये में डोमेन होस्टिंग देना आपको दिखा दिया है दोस्तों। डोमेन आप फ्री में ले सकते हैं दोस्तों, 15 रुपये में होस्टिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।